हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम MI के Y2 फ़ोन का जो FRP लॉक है वो खोलेंगे, क्योंकि इसको देखिए फॉर्मेट करने के बाद जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये जीमेल आईडी की वजह से वापस से स्टार्टअप में जो है चले जाता है फ़ोन। देखिए मैं इसको पूरा आगे बढ़ा रहा हूँ, ये प्रोसेस देखो, ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, देखिए अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टार्टिंग पर जाएगा ये वापस से। अब इसको जो है हम FRP लॉक बोलते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए मैं अल्टीमेट मल्टी टूल का यूज़ करूँगा, जिसका कि ये QC फायर आता है। वो वर्ज़न जो है बिल्कुल लेटेस्ट इसका 5.0.a है। सबसे पहले MI का फ़ोन है तो इसके लिए हमें EDL पॉइंट को शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ। फ़ोन को मैंने पीछे से खोला हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए स्विच ऑफ हुआ। स्विच ऑफ होने के बाद बैटरी कनेक्टर को डिसकनेक्ट किया बोर्ड से मैंने, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं स्क्रीन में इसको एडिट करके भी दिखा दूँगा। जो तीन डॉट हैं ऊपर के, इनमें से ऊपर के जो दो हैं इनको शॉर्ट करना है, ठीक है ना। ये मैंने इसके ऊपर दोनों पॉइंट को सोल्डर से शॉर्ट कर दूंगा। सोल्डर से मैंने दोनों पॉइंट को देखो, अभी आपको इसमें अलग दिख नहीं रहा होगा, मैं अलग से एडिट करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है मैंने ये टूल खोला हुआ है और इसमें सेकेंड ऑप्शन है रीड एंड टूल, इस पर आया मैं, फॉर्मेट FS पे क्लिक किया, ये देखिए क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए केबल लगाने को बोला है, तो ये मैंने मेरी केबल ली और ये इसके अंदर कनेक्ट कर दी। सॉरी, केबल निकली हुई है, देखिए ये कनेक्ट हो गया है। क्विलकॉम पोर्ट ये ले गया, देखिए C10 ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए रीसेट FRP नाउ, तो इस पर मैंने यस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब कुछ कुछ केसेस में MI के फ़ोन में MI अकाउंट भी आता है, तो हम MI अकाउंट को भी अभी रिमूव कर देंगे। ये देखिए रीसेट MI अकाउंट, यस पे क्लिक किया मैंने, और जैसे उसने केबल लगाने को बोला तो हमने ये केबल लगा दी। ये देखिए ये MI अकाउंट भी जो है इस पे से ये रिमूव हो गया। प्रोसेस डन, देखिए अब ये कंप्लीट होने के बाद केबल डिस्कनेक्ट करने के बाद जब तक हम ये दोनों पॉइंट को अलग नहीं करेंगे EDL पॉइंट को, फोन ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इनको पॉइंट को अलग करेंगे, देखिए जो मैंने यहाँ पर सोल्डर लगाया था इसको मैंने रिमूव कर दिया, बैटरी कनेक्टर कनेक्ट करके इसको स्विच ऑन कर देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग होते से फॉर्मेटिंग चालू होगी। अब इसको स्टार्ट होने में करीब 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, इसके बूट होने का वेट करते हैं।
ये देखिए अब ये ऑन हो चुका है, और ये इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ लैंग्वेज सिलेक्ट करके। स्किप स्किप नेक्स्ट एक्सेप्ट नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए अभी कंप्लीट हो चुका है, ये मेनू आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो इस पर डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।